हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जिस पर पहले से कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे कि हिस्ट्री में किस प्रकार एक घटना दूसरे घटना से कनेक्ट है। देखिए, यह है हमारा भारत का मैप और इस मैप में मैंने कुछ जगहों को हाईलाइट किया है, जैसे कि यह है हमारी देश की राजधानी दिल्ली, उसके बाद यह है लाहौर, यह है कराची, उसके बाद ये वाला एरिया हम लोगों का गुजरात, और गुजरात में जो दो जगहों के बारे में पढ़ना है, एक है अहमदाबाद और दूसरा है डांडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला एरिया हम लोगों का पाकिस्तान, और पाकिस्तान में है एक जगह लाहौर। यहाँ पर होगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। यह अधिवेशन होगा 31 दिसंबर 1929 को, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे जवाहरलाल नेहरू, और इस अधिवेशन में गांधी जी को मंजूरी मिलती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को गांधी जी को अनुमति मिल गई, मंजूरी मिल गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, कि गांधी जी अब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस स्टोरी को 11 सूत्री मांग से कनेक्ट करते हैं। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को अनुमति मिल गई कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने से पहले भारत के वायस राय लॉर्ड इवरिन से 11 सूत्री मांग रखेंगे। यदि भारत के वायस राय लॉर्ड इवरिन गांधी जी की 11 सूत्री मांग को मान जाते हैं तो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट नहीं किया जाएगा। अगर वह नहीं मानते हैं तो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा। तो गांधी जी 11 सूत्री मांग करते हैं अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 31 जनवरी 1930 को भारत के वायस राय लॉर्ड इवरिन के समक्ष। तो क्या होता है, भारत के वायस राय लॉर्ड गांधी जी की 11 सूत्री मांग को अस्वीकार करते हैं, जिसके कारण गांधी जी भारत में स्टार्ट करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब उसके बाद 11 सूत्री मांग को नमक सत्याग्रह से कनेक्ट करते हैं। देखिए, भारत के वायसराय लॉर्ड इवरी ने तो अस्वीकार कर दिया 11 सूत्री मांग को, गांधी जी की 11 सूत्री मांग को अस्वीकार कर दिया। अब गांधी जी का भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना है, लेकिन गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने से पहले नमक सत्याग्रह को अंजाम देते हैं। देखिए, नमक सत्याग्रह में क्या होता है यह देखते हैं। देखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उसके 77 सदस्य अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक पैदल यात्रा करेंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी है 276 किलोमीटर। अगर मील में देखें तो इनके बीच की दूरी है 171 मील। तो यहाँ पर गांधी जी और उनके 77 सदस्य पैदल यात्रा करेंगे। ये निकलते हैं यहाँ से 12 मार्च 1930 को निकलते हैं और डांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को, और यहाँ पहुंचकर जस्ट उसके अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है। 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और जस्ट उसके अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं। फिर क्या होता है कि जिस दिन गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं उसी दिन भारत में स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिस दिन गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है उसी दिन भारत में स्टार्ट हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 1930 को, और इसी दिन तोड़ा गया है नमक कानून। तो नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक दूसरे से कनेक्ट हो गया कि जिस दिन गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया है उसी दिन भारत में स्टार्ट हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार करना है यह देखते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कुछ क्रियाएं चलाई गई, जैसे कि अंग्रेजों को करना पटाओ, सरकारी पद का त्याग, सरकारी स्कूल का त्याग, सरकारी कॉलेज का त्याग, न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इस प्रकार की योजनाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाई गई। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कनेक्ट करते हैं। देखिए, भारत में चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस आंदोलन से अंग्रेज ज्यादा परेशान है। तो अंग्रेज एक योजना बनाते हैं कि हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे लंदन में, और भारतीयों को लंदन बुलाएंगे, और वहां उनको कुछ लुभावने प्रस्ताव देकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने बोलेंगे। अंग्रेजों का प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यही प्लान था कि भारतीयों को बुलाएंगे, स्पेशली कांग्रेस और महात्मा गांधी को बुलाएंगे, और वहां उनको कुछ लुभावने प्रस्ताव देकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने बोलेंगे। तो अंग्रेजों के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है लंदन में। यह आयोजन किया जाता है 12 नवंबर 1930 को, स्थान है सेंट जेम्स पैलेस लंदन, और इस गोलमेज सम्मेलन का कारण है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। इसका प्रभाव बढ़ रहा था, इससे बहुत
अंग्रेज लोग परेशान थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी यूरिन समझौता को कनेक्ट करते हैं। देखिए गांधी यूरिन समझौता क्या हुआ था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब अंग्रेजों के द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसमें मुख्य टारगेट था अंग्रेजों का कि गांधी जी को हम लोग बुलाएंगे लंदन और कांग्रेस को, उसके बाद क्या होगा कि उनको हम लोग कुछ लुभावने प्रस्ताव देंगे और उन लुभावने प्रस्ताव के बदले हम लोग बोलेंगे कि गांधी जी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दें। लेकिन इस सम्मेलन में क्या हुआ कि गांधी जी लंदन गए ही नहीं, इस सम्मेलन में हिस्सा लेने ना तो गांधी जी गए और न ही कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य इस सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन पहुंचा, जिसके कारण यह सम्मेलन असफल रहा। क्योंकि अभी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में ना तो कांग्रेस गई है और न ही गांधी जी। तो क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रसन्न होकर भारत के वायस लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता करेंगे दिल्ली में। तो यह समझौता होगा 5 मार्च 1930 को, स्थान है दिल्ली। और इस समझौता में होता है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा कुछ शर्त रखी जाती है, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस सेकेंड गोल में सम्मेलन में भाग लेने लंदन आएगी और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। यह भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी के सामने शर्त रखते हैं। उसके बाद गांधी जी अपनी शर्त रखते हैं भारत के वायसराय के सामने। गांधी जी शर्त रखते हैं कि उस समय क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे जो आंदोलनकारी को अंग्रेज सरकार जेल में बंद कर दी थी। तो क्या हुआ था कि गांधी जी अपनी शर्त रखते हैं, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी कैदों को रिहा कर दिया जाए, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, शराब अफीम की दुकान के सामने शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए, आंदोलन के दौरान जिसकी भी संपत्ति जब्त की गई है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिसकी भी संपत्ति जब्त हुई है उनकी संपत्ति उन्हें वापस किया जाए, और जो त्यागपत्र दिए हैं आंदोलन के दौरान जिन्होंने त्यागपत्र दिया है सरकारी नौकरी से, उन्हें उनके पद पर पुनः बला लिया जाए। तो इस प्रकार के समझौता गांधी यूरिन समझौता होता है दिल्ली पैक्ट में। उसके बाद गांधी यूरिन समझौता के बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन को कनेक्ट करते हैं। देखिए गांधी यूरिन समझौता में महात्मा गांधी और भारत के वायसराय के बीच समझौता हुआ और इस समझौता को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मंजूरी मिल गई। यह हुआ था 29 मार्च 1931 को। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस अधिवेशन में मंजूरी मिलती है गांधी इरविन समझौता को। तो ये थी हिस्ट्री और उसकी कुछ घटनाएं। एक बार और मैं सारी घटनाओं को एरो के माध्यम से सीरीज वाइज बता देता हूं। देखिए सबसे पहले होगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसमें गांधी जी को मंजूरी मिल जाएगी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसके बाद गांधी जी 11 सूत्री मांग रखेंगे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से, जिसे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन अस्वीकार करेंगे। उसके बाद गांधी जी 11 सूत्री मांग के बाद नमक सत्याग्रह करेंगे। नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी जिस दिन नमक सत्याग्रह करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे, उसी दिन भारत में स्टार्ट हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव के कारण होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस को कुछ लुभावने प्रस्ताव देकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने बोलेंगे। लेकिन इसमें अंग्रेजों का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि इस सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस हिस्सा ही नहीं लेती है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण होगा गांधी इरविन समझौता, उसके प्रभाव के कारण होगा गांधी इरविन समझौता, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसमें होगा गांधी इरविन समझौता में कुछ शर्तें रखी जाएगी भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के द्वारा। फिर जो भी यह समझौता होगा उसको कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मंजूरी मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट घटना एक सीरीज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।